कोल्ड ड्रिंक की बोतल से प्लास्टिक निकलने से चंडीगढ़ की कंज्यूमर कमीशन की तरफ से पेप्सिको कंपनी को बड़ा जुर्माना लगाया गया। पेप्सिको की इस लापरवाही की वजह से कंज्यूमर कमीशन ने पेप्सिको को 5,85,000 रुपए के आदेश जारी किए, जिसमें से 2,50,000 रुपए पीजीआई के गरीब मरीजों की मदद के लिए और 2,50,000 रुपए कंज्यूमर लीगल एड के लिए दिया जाएगा, जबकि बाकी की रकम कंज्यूमर को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि ग्राहक की तरफ से कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी गई थी जिसमें प्लास्टिक पाई गई और मामला सामने आने के बाद बोतल को टेस्ट के लिए भेजा गया, जिस दौरान मामला पहले कंज्यूमर फॉर्म के पास पहुंचा और बाद में कंज्यूमर कमीशन ने इस पर कार्रवाई करते हुए पेप्सिको को बड़ा जुर्माना लगाया है। उस अपील च ये अपील लेगी जो प्लास्टिक इवन एक्सपायरी डेट तो बाद भी अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो सकता, तो कमीशन ने यह चीज कंसीडर करते हुए फोटोग्राफ्स तुम दिखाई जा चुकी है, वो साफ अखा देखा जा सकता है नंगी अखा कि ये प्लास्टिक या कुछ भी फॉरन पार्टिकल उस बोटल विच अवेलेबल है। सील बोटल उन्होंने जमा करी, रिपोर्ट साफ है, उसे लिखा गया कि इट इज़ नॉट सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है, तो उस तो बाद कमीशन ने हम जो ऑर्डर कराया है उन्हें इस चीज़ को प्ली नूं दसदे कि प्लास्टिक वो जी प्ली सी प्लास्टिक अपने आप प्रोड्यूस नहीं हो सकता एक्सपायरी डेट तो बाद वो कंसीडर करते हुए उन्होंने 2,50,000 रुपए का पीजीआई पुअर पेशेंट फंड जमा करवाने को कहा गया। पेप्सिको जो 2,50,000 रुपया कंज्यूमर फंड जमा करवाने को गया स्टेट कंज्यूमर फंड 60,000 कंप्लेनर देने लिए कहा गया और 25,000 लिटिगेशन पहुंचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्शन पंजाब, वेब न्यूज़।